सर आज ये सुपर स्पेशलिटी जो बिल्डिंग है इसको देखने आए हैं, क्या रीज़न रहा सर इसका? इसकी एक फ्लोर काफ़ी हद तक बन चुकी है, तो जो हमारे आइसोलेशन के जो वार्ड हैं उनको करने हैं हम लोगों को, जो जो संभावित पेशेंट्स रहते हैं इस प्रकार के, तो हम लोग यहाँ पर अगर ठीक कर सकें उसके संभावना देखने आए थे। कुछ काम बचा हुआ है काफ़ी इसमें, तो जो काम है हम काम भी शुरू करा रहे हैं। हम लोग जो बाहर के वाटर सप्लाई के हैं, सीवेज के हैं, ट्रांसफर वाले की भी काम है, और जो यहाँ इंटरनल काम होना है टॉयलेट्स वगैरह में उसकी भी कॉन्ट्रेक्ट एजेंसी आई है, उसको बोला जल्दी आप शुरू कर दीजिए इसको। इससे सर एम पी एच को हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एम पी एच में ऑक्सीजन कुछ इक्विपमेंट लग गए थे कलकत्ता से कल आ गए हैं, उसको भी ई डब्ल्यू डी से अभी वो जल्दी लगा रहे हैं उसको, तो वहाँ भी हमारा आइसोलेशन का जो एक है वो अच्छा आई सी यू में सब तैयार है। वहाँ डॉक्टर्स की एडिशनल वर्कफोर्स वहाँ पर डी मैडम लगा देंगे और उसको भी हम लोग एक पैनल तैयार कर रहे हैं पूरा। सर क्या आइसोलेशन वार्ड्स और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है? जैसे हमेशा ना हम लोग जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं हम लोग एक स्टेप आगे उसको रोल आउट करके आगे रोल आउट कैसे करें हम लोग उसको, जैसे संख्या बढ़ती है उसकी प्लानिंग बेसिकली चल रही है, उसी तरह से कार्रवाई हो रही है। सर जैसे मेडिकल कॉलेज जो गांधीनगर में है, डेंटल कॉलेज, उनको भी गांधीनगर मॉडर्न कॉलेज है उसके लिए मैंने संतोष चक्रवर्ती को बोला है। डॉक्टर बदलानी क्या है वो अभी अनफॉर्चुनेटली जेल में है, वो तो काफ़ी मदद हो जाती है, उनके डीन साहब से हम लोग बात करेंगे और वहाँ पर हम लोग जो एम बी एच में हम लोग 450 प्रोजेक्ट पूरा तैयारी करें, थोड़ा बेसिक काम करने हैं छोटे मोटे, उसके लिए अगर आइसोलेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा वर्तमान के पेशेंट्स हैं वहाँ पर, उनको हम लोग मॉडर्न कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे। इसमें डॉक्टरों की तरफ से शिकायत आई कि पॉजिटिव और नेगेटिव मरीजों को एक साथ रखा जा रहा है, जो संक्रमित मरीजों में भी एक साथ होता है, इसे लेकर क्या आपकी नजर है? टेक्निकली चेस्ट हॉस्पिटल वो कोविड का नहीं है, पर क्या होता है जब किसी को इस तरह की प्रॉब्लम रहती है जब तक उसका नतीजा नहीं निकल जाएगा, जैसे इमरजेंसी केसेस है किसी को सांस में तकलीफ हो रही है कुछ हो रही है, जब तक उसको निकल नहीं जाए तब तक उसको बोल नहीं सकते कोविड है, वो कैसे निकलता है इमरजेंट शिफ्ट करते हैं, और उसको उन्होंने थोड़ा आइसोलेट किया हुआ है वहाँ पर स्थानीय लेवल पर, और डॉक्टर्स को उन्होंने बोला है कि सारे प्रिकॉशन रखेंगे, सारे प्रिकॉशन रख रहे हैं, अगर ये एम पी एच हमारा और अभी एक्टिवेट हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग कुछ वो भी कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो उससे हमारा फिर कम संख्या हो जाएगी टेस्ट की आने वाली। सर जिस तरीके से ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो हम एरिया जो नए चिन्हित कर रहे हैं वहाँ हमारी स्क्रीनिंग टीम और बढ़ा रहे हैं? स्क्रीनिंग टीम भी बढ़ रही है, हम लोग आर आर टी टीम से वो तो काफ़ी संख्या में है, सैंपलिंग टीम बढ़ा रहे हैं हम लोग, और मोबाइल मेडिकल यूनिट से टीम से डॉक्टर्स रहते हैं उसको भी बढ़ा रहे हैं, जो भी हमारे जो जहाँ पर अभी ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर वन टू वन लिंकेज कर दिया है सब टीम्स का, ताकि डेडिकेटेड टीम्स वहाँ पर काम करें। अभी क्या हो रहा था कि डेडिकेटेड टीम्स नहीं थी, डेडिकेटेड टीम्स के लिए जो भी संख्या में आवश्यकता है उसके लिए गाड़ी हमने दी है सी एम एच ओ को, 15 गाड़ी कल दी थी और हमने बोला है 10-15 वाले भी तो और दे देंगे, ताकि तत्काल कम से कम समय में मौके पर जो फील्ड टीम काम कर रही है एस डी एम एडिशनल एक्टर्स हैं वो तत्काल उसको सॉर्ट आउट कर सकें। उसको देखिए ये मेरे भी संज्ञान में आया था, मैंने पता किया वहाँ पर, तो ऐसा जो लोगों को बोलना है कि कोविड टाइप के सिम्टम्स इन लोगों में नहीं थे, क्या कारण है और सही खबर सही भी है कि नहीं है उसमें कुछ सत्यता में जांच नहीं कर पाया हूँ, जो भी खबर आई है उसमें जो आंकड़े दिए हैं वो सही है कि नहीं है, अगर गलत होगी तो हम कार्रवाई करेंगे खबर पर, अगर सही होगी तो कारण पता करेंगे, पर उसको सही मानते हुए हम कारण पता लगवा रहे हैं क्या रीज़न है। जो मेरी धर्मगुरुओं से या वहाँ के लोगों से बात हुई है, जो भी डेथ हुई उनके परिवार वालों से बात हुई, उस तरह के सिम्टम्स दिखे नहीं गई थी, क्या रीज़न है नॉर्म आंकड़े पिछले साल इस समय कितने थे वो आंकड़े भी नहीं आए हैं, कि इस समय इस मौसम में परिवर्तन होता है, इस समय पिछले साल के आंकड़े कंप्रेशन हमेशा होता है पिछले साल के आंकड़ों से या पिछले 5 साल के आंकड़ों से होता है, तो वो 5 साल के आंकड़े निकालने का भी समय नहीं किसी के पास, वो निकाले आंकड़े कंपेयर करें उसको, तो वो इसलिए हम उस बारे में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सर कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें कि पेशेंट की मौत हो गई है और उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आई लेकिन वार्ड को डिस्चार्ज कर दिया गया उसका शव। देखिए मैं लोगों से बोलूँगा घरों में रहें, और घरों में सबसे बड़ी सिक्योरिटी है लॉकडाउन, और हर मेडिकल फैसिलिटी उसकी सीमा होती है, हम लोग खुद कंट्रोल कर रहे हैं, अभी हम लोग क्षमता भी है हम लोगों के पास में, कृपया करके सब लोग घरों में रहें, कैसे भी गए मैंने आज से 5 दिन पहले बोला था रोटी मिल रही रोटी डाल दे रहे हैं, पर घरों के अंदर रहें और धीरे धीरे जो ये अपने नीचे सारे से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है, कुछ कुछ जगह केसेज आ रहे हैं अभी वो वही केसेज हैं जो उनके सारे के पहले जो मिक्सिंग हुई है लोगों की, वही इस तरह के केसेज हैं जो सेटल डाउन हो रहे हैं, अभी सब लोग घर में रहें, किसी को कुछ नहीं मालूम है किसको है किसको नहीं है,
जो भी लोग मोहल्ले में भी रह रहे हैं, कई लोग मोहल्ले में वॉकिंग कर रहे हैं, उनको थोड़ी मालूम है कि मोहल्ले में बगल वाले आदमी को है कि नहीं है। हो सकता है उससे कुछ भी ना हो, कैरियर ग्रुप पे आपको लगा दे, आपको तकलीफ हो जाए। इसलिए प्रिकॉशंस लेने के लिए अनुरोध करूँगा सभी से। मैं जो आपने बोला उस तरह किसी समय है, हम लोग उससे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसकी बात भी हो रही है कि क्या प्रिकॉशंस लें। हर बॉडी को उस प्रिकॉशन से लेना भी संभव नहीं, प्रोटोकॉल रहता है पूरा उसका। प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई अगर टेस्ट के लिए गया हुआ है, जो बोला निर्देश दिए हम लोगों ने, तो जब तक उसके टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाए, बॉडी का डिस्पोजल ना किया जाए, ताकि अगर उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है, अकॉर्डिंगली बॉडी का प्रोटोकॉल यूज़ करना है नहीं करना है, वो तभी संभव हो पाएगा जबकि जिसका भी टेस्ट किया गया है, टेस्ट आने से टेस्ट होती है उसकी, तो टेस्ट आने पर ही बॉडी को दिया जाए उसका, तब तक सुरक्षित रखी जाएगी। आज कोई रियायत या सख्ती के कोई निर्देश आपकी होगी? रियायत कुछ भी नहीं होगी, सख्ती बढ़ेगी है। और ये सख्ती बढ़ाना शहर के हित में है, रहवासियों के हेल्थ के लिए जरूरी है। किसी प्रकार की रियायत नहीं होगी। जो भी घर में सामग्री भेजने की बात है, नगर निगम पूरा लगा हुआ है उसमें। हम लोग भी एक्स्ट्रा जो आटे के, जिससे अभिषेक गरीब बस्ती में आटे के पैकेट के यूनिट स्तर पर हम लोग का सामान जा रहा है, और गेहूँ की एडिशन हम लोग ने खुलवा लिया है, आटा चक्कियाँ काफ़ी खुलवा दी हैं, दाल मिलें काफ़ी खुलवा दी हैं, और भी अन्य प्रकार के जो व्यवसाय ट्रेडर्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है, ताकि माल की कभी शहर के अंदर नहीं हो। इंश्योर करेंगे हम लोग, अगर लॉकडाउन चल रहा है तो हर घर में नियम खाने की व्यवस्था हम कर देंगे, हम लोग इंश्योर पूरा कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत भी आ रही है। हम बता सकते हैं कितने परिवारों की मदद कर चुके हैं? देखिए, नगर निगम से 50-55 हज़ार पैकेट तो डेली जा रहे हैं, और अब जो हम लोगों ने परमिशन दी है जनप्रतिनिधि उनके यहाँ भी बहुत हज़ारों की संख्या पैकेट बन रहे हैं। वैसे तो अगर आंकड़ा देखेंगे तो 1,50,000 का तो भोजन खाने जा रहे हैं डेली। उसके अलावा फ्री राशन भी हम लोग भी बहुत दे रहे हैं, बाकी जनप्रतिनिधि भी बहुत दे रहे हैं। सब मिलाने में काफ़ी बड़ी संख्या निकलेगी। एग्जैक्ट संख्या राशन भी पता चलते, राशन की संख्या हमारे 10-15 हज़ार पैकेट डेली जा रहे हैं। और आटे के पैकेट में काफ़ी लगवा रहा हूँ, आटे के गरीब बस्तियों में जो 5 किलो आटा 10 किलो आटा पहुँच गया उनके पास, नमक का पैकेट काफ़ी बुलवा रहे हैं।